इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ कौन? बहुआ बोल रहे हो भाई साहब? नमस्ते। कौन? मेरे मामा। कौन? मैं कह रहा था मेरे मामा जी बड़े अकेले हैं, गर्मी की छुट्टी में बुलाते हैं लेकिन मैं जाता नहीं क्योंकि मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। अबे भाई कौन सी बातें कर रहा बोल रहा? कई लोगों को बता रहा था, क्या कहते दुख बांटने से कम होता है, इसलिए आपसे ही बांट रहा हूँ मैं। ऐसे फोन लगा, एक मिनट सुन लो। क्या है ना, उनके घर में पंखा नहीं है इसलिए मैं गर्मी की छुट्टी में उनके यहाँ जाता नहीं। अच्छा, क्योंकि पंखे के चक्कर में उनकी शादी नहीं हो रही है। पूछो कैसे? कैसे कैसे? क्योंकि ऊपर पंखा चलता है नीचे बेबी। अबे हो गया क्या भाई, क्या हो गया? एक सेकेंड, ऊपर पंखा चलता है नीचे बेबी सोता है। सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे दाना नहीं। नाना गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली, बिल्ली ने मारा पंजा और मामा हो गया। अबे गंजा हो गया। और तब से जो भी लड़की वाला आता उनको रिजेक्ट करता, कहता आपके बाल ही नहीं है, बताओ अब मैं क्या करूं। वो दुखी बेचारे पंखा नहीं लगवा रहे, दुखी है, तकलीफ हो गई उनको, शादी नहीं हो रही उनकी। हेलो भाई साहब, क्या करें बताइए। मामा जी विग ले ले। हैं? विग ले ले विग। देखिए लॉजिक तो लगाना ही नहीं है आपने, लॉजिक की पोटली बना लीजिए, फिर आगे आपकी मर्जी। दे दे फिर आपकी। आपके सर के बाल की कसम, इतने इज्जत से कभी किसी ने चीच नहीं बोला। एक क्या बोला आपने, पोटली? अबे तू शर्मिंदा हो गया भाई साहब, है ना। 93.5 FM बजाते रहो। पर मेरे बाबा के लिए कोई लड़की दिखे तो प्लीज बता देना।